आरची, आरची यानी रॉबिन हुड आर्मी। क्या आपको भी जानना है कि रॉबिन हुड आर्मी कैसे काम करती है और ये क्या है? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं हरि इंट्रोटेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हरि इंट्रोटेजा व्लॉग्स पर। इतनी जल्दी क्या है, व्लॉग देखने से पहले कुछ न्यूज़ के क्लिप्स तो देख लो। Hi guys, this is Amit Tandon and this is to wish Robin Hood Army all the best. Hi, I'm Sonali Kulkarni and I must say that right from their name, I have become a huge fan of their work. They are called the Robin Hood Army. जितना खाना रोज हमारी थालियों में छूट जाता है, उतना तो लाखों को मिल भी नहीं पाता। आइए मिलकर बदले ये डरावने हालात। रॉबिन हुड आर्मी और एबीपी न्यूज की मुहिम के साथ भूख की इस लड़ाई में कीजिए अन्नदान या केवल श्रमदान। इस मुहिम से जुड़ने के लिए साइन अप कीजिए। नौजवानों की एक टीम जो बिना किसी लालच के कर रही है जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम। गरीबों की मदद में जुटी इस सेना का नाम है रॉबिन हुड आर्मी। Volunteers of a group called the Robin Hood Army celebrated India's Independence Day by serving food among millions of needy and poor across the country. यदि आपकी वजह से किसी भूखे का पेट भरता है तो आप भी देशभक्त। आज केबीसी कर्मवीर कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे ही एक नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिनके जज्बात, उद्देश्य और लक्ष्य किसी भी सैनिक से कम नहीं है। वो भले ही भारतीय सेना में ना हो लेकिन उनकी सेना रॉबिन हुड आर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ विश्व के अनेक शहरों में भूख से युद्ध करने में जुटी हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रॉबिन हुड आर्मी के कमांडर नील घोष को। तालियों के साथ उनका स्वागत। पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर ऑन अ डे टू डे बेसिस, प्रॉब्लम फूड का लैक का नहीं है बट लैक ऑफ एक्सेस टू दैट फूड। Let's come together this Independence Day and serve food to 5 lakh people on both sides of the border. चलिए आपको मिलवाते हैं रॉबिन हुड आर्मी से। यह तो कोई बात नहीं हुई कि हमारे पास खाना है जो वेस्ट हो रहा है, हमारे पास लोग हैं जो भूखे सोते हैं। रॉबिन आर्मी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और एक सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पे कोई भी भूखा ना सो सके। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 9 में से एक इंसान अंडर नरिश्ड है, यानी लगभग 79.5 करोड़ लोग। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग उन देशों से आते हैं जहाँ खाने की कमी नहीं है बल्कि उन्हें फूड सरप्लस नेशन माना जाता है। खाने की इस मिसमैनेजमेंट से जंग लड़ रही है हमारी रॉबिन हुड आर्मी। OMG यानी बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के सिर्फ फूड डोनेशंस के दम पर आज 8000 से ज्यादा रॉबिन्स अपनी बिजी जिंदगी से वक्त निकालकर भूख के खिलाफ जंग लड़े जा रहे हैं। सब मेरी टी शर्ट का कलर कौन सा है? हमें ये दीदी है ना अच्छा अच्छा एक्टिविटी सिखाते हैं, अलग अलग चीज बनाना सिखाते हैं और मूवी दिखाने लेके जाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं और पढ़ाते हैं, अलग अलग शीट्स लाते हैं और हमें उस पे प्रैक्टिस करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम यानी ये सारी दुनिया एक कुटुंब, एक परिवार है। रॉबिन हुड आर्मी ने इस कहावत के सही मायने समझे हैं और एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू किया है जो हर सरहद के परे है। अब करते हैं व्लॉग शुरू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे सारे? होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है यार। 2020 खत्म होने वाला है तो आज संडे है और आज मैं राइड पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं जा रहा हूँ आरची के ड्राइव पे। हुडी मैंने पहन लिया, मैं एक अच्छा रॉबिन लग रहा हूँ। हमने करीब घर से 12:30 बजे निकला और 12 बज चुके हैं। मैं आपको मिलता हूँ रस्ते में और लोकेशन पर आपको बताऊँगा, समझाऊँगा कि आरची कैसे काम करते हैं और आरची क्या है।
दोस्तों मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और अभी मैं वेट कर रहा हूं बाकी लोगों का आने का। तब तक मैं आपको समझाता हूं कि आरएचए कैसे काम करता है। बेसिकली एट प्रेजेंट रोबिनहुड आर्मी मोर देन 10 कंट्रीज में काम कर रही है और इंडिया की अबाउट 200 सिटीज में। हम गरीब बच्चों के वेलफेयर का काम करते हैं, यानी गरीब बच्चों के फ्यूचर का हम ध्यान रखते हैं। एक बेसिक सी चीज़ है, देखो आप सभी को पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में खाने की कमी नहीं है। द थिंग इज़ दैट कि लोगों तक खाना पहुंच नहीं पाता है, खाना बच जाता है, वो हम रेस्टोरेंट से उठा के गरीब बच्चों को बांट देते हैं और गरीब बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बांट देते हैं। एवरी संडे हमारी ड्राइव होती है जिसमें हमारे जो फूड पार्टनर्स यानी वो रेस्टोरेंट या वो कैफेज़ वगैरह या वो खाने के सोर्सेज जो हमें एवरी संडे कुछ अमाउंट खाना देते हैं ताकि हम वो गरीब बच्चों को खिला सके। तो अब आती है बारी आरएचए एकेडमी की। आरएचए एकेडमी में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बेसिक एजुकेशन देते हैं और जब वो इस लायक हो जाते हैं तब हम उनका स्कूल्स में एडमिशन करा देते हैं ताकि वो हमारे कंट्री हमारे इंडिया के लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकें। और आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ये काम काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता होगा। ऐसा नहीं है, देखो हर संडे कोई अपने एक या दो या तीन घंटे तो निकाल ही सकता है, वीकेंड्स पे तो इतना टाइम होता ही है। हाँ, इतना नहीं है कि हम सिर्फ वीकेंड्स पे काम करते हैं बल्कि हम स्पेशल ओकेजन्स पे काम करते हैं। लास्ट डे जिसमें मैं आया था वो थी क्रिसमस ड्राइव। हमने बच्चों को काफ़ी सारा अच्छा स्नैक्स वगैरह दिए थे क्रिसमस के ओकेजन पे, और काफ़ी सारे ओकेजन्स पर ऐसे हम ड्राइव स्पेशल ड्राइव करते हैं। सर रोबिन्स आ चुके हैं, हम चलते हैं बाहर और उनको मिलते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। तो भी दो रेस्टोरेंट से खाना आ चुका है और हम वेट कर रहे थे कि और भी रेस्टोरेंट से खाना आ जाए, तो ड्राइव पे एक बंदे ने मना कर दिया कि वो नहीं आ पा रहा है। तो भैया जा रहे हैं खाना लेने, तब तक हम वेट करते हैं यहाँ पर, बच्चों से आपको मिलवाते हैं कि आगे बच्चे कैसे हैं। हेलो, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ आ जाओ। नमस्ते जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते जी नमस्ते। दूसरी लोकेशन पे आ गए और मैं बच्चों को बुलाने जा रहा हूँ। बच्चे आते हैं यहाँ पर, बच्चों को आगे जाना पड़ता है। आजो। साधारण मशीन क्या है? तो दोस्तों ड्राइव खत्म हो चुकी है और आपने जो लास्ट क्लिप देखी वो थी बच्चों की। बच्चों को थोड़ा मस्ती कराना जरूरी होता है क्योंकि उनको भी थोड़ा अच्छा फील होता है। तो अब मैं घर जाऊंगा और घर जाने के बाद शायद से मैं गौशाला भी जाऊं, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ तो मुझे ऐसे काम करने बहुत पसंद है। तो अभी हम पहले घर चलते हैं, देन अगर गए तो ठीक है, नहीं तो घर पे लो ख़त्म। तो घर में आ गया था। घर आने के बाद गौरव भैया ने कहा कि हाँ चलना है गौशाला, तो हम ब्रेड वगैरह लेके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गौशाला। जिस गौशाला में मैं जा रहा हूँ वो गौशाला थोड़ी अलग है। बेसिकली वहाँ पे फिजिकली चैलेंज गौ माता होती है और जो थोड़ी हैंडीकैप होती है या जो थोड़ी बीमार होती है हम जाके उनको खाना खिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ये सब करके ना एक दिल को अलग ही खुशी मिलती है। उनकी जीभ देखो, ये कितनी बड़ी बड़ी जीभ बाहर निकालते हैं खाना। दोस्तों
दोस्तों गौशाला से मैं आ चुका हूँ और मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, मतलब एक दिन भी पूरा नहीं, 3 या 4 घंटे जिसमें आप अच्छे काम कर सको। बाकी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और जिन जिन को आरएचए ज्वाइन करना रहेगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपनी डिटेल्स भरना, आपको एक लिंक आएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे अपनी सिटी के। तो अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी कुछ इंस्पायर होकर ऐसे अच्छे काम करना शुरू करें। तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए दिन किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।